हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, आज की जो जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और ये ना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम नहीं करी होगी। जैसे एक है लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम सिक्वेंस निकालने की, जैसे इसमें तो सिर्फ काउंट करना है नंबर ऑफ पैलेंड्रोमिक सिक्वेंसेस। एक ऐसे ही सेम है थोड़ी सी, उसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक सब सिक्वेंस निकालना है। ऐसे कुछ सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है। अगर वो आप लोगों ने नहीं सॉल्व करी होगी ना, तो ये बहुत ही मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि ये शायद ही आपसे सॉल्व लो। डीपी की है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, पर ऐसा है कि एकदम से स्ट्राइक करना फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब अपन स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बोल क्या रही है? देखो, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, डीपी की है, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें ना अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई है एबीसीडी, ठीक है। अपने को बताना क्या है, अपने को ये बताना है कि इस एबीसीडी स्ट्रिंग में कितने पैलेंड्रोमिक सबसिक्वेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि पैलेंड्रोमिक सबसिक्वेंस होते क्या है। देखो, सबसे पहले तो अपन बोलते हैं पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम क्या होता है कि जो आगे से, ठीक है, और पीछे से इटरेट करने पे सेम आए। जैसे इसको अगर मैं आगे से इटरेट करूं या पीछे से इटरेट करूं, सेम आएगा। तो हाँ, ये मेरा पैलेंड्रोम है, ठीक है। इसको मैं आगे से इटरेट करूं या पीछे से इटरेट करूं, सेम आएगा। तो हाँ, ये मेरा पैलेंड्रोम है, ठीक है। इसको मैं आगे से इटरेट करूं और पीछे से करूं, तो क्या ये सेम आएगा? नहीं, तो ये मेरा पैलेंड्रोम नहीं है। अच्छा, ये वाली चीज़ ये बताओ, ए बी ए होती तो अगर देखो मैं इसको आगे से ट्रेड करता तो फर्स्ट पोजीशन पे ए आया, सेकंड पे बी, फिर थर्ड पे ए, ठीक है। और अगर मैं पीछे से करूं तो भी फर्स्ट पे ए, सेकंड पे बी और थर्ड पे, तो हाँ ये भी मेरा पैलेंड्रोम है, ठीक है। ठीक है, पैलेंड्रोम तो अपन समझ गए। अब सब सिक्वेंस क्या बोल रहा था? दो वर्ड से ना, पैलेंड्रोमिक सब सिक्वेंस। तो अब सब सिक्वेंस भी देखते हैं। जैसे आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए बी सी ए, ठीक है। अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे अपने को बोल क्या रहा था कि ना पैलेंड्रोमिक सबसिक्वेंस। सबसिक्वेंस क्या होता है पहले अपन वो देख लेते हैं। अब देखो, जैसे मैंने ए लिया तो ये सबसिक्वेंस है, हाँ। मैंने ए बी ले लिया, देखते हैं, ए सी ले लिया, ठीक है, और ए बी सी ले लिया, ठीक है। देखो, ए ले लिया मैंने, ठीक है, ये सब सिक्वेंस हो सकता है अपना, मतलब पैलेंड्रोम हो सकता है। पैलेंड्रोम छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ सब सिक्वेंस की बात करते हैं। तो हाँ, ये सब सिक्वेंस है, ठीक है। ए बी ले लिया, हाँ ये भी सब सिक्वेंस है। अच्छा, ए सी ले लिया मैंने, बीच वाला बी छोड़ दिया, ठीक है। मैंने ए के बाद में सीधा सी ले लिया, बीच वाला बी छोड़ दिया, तो हाँ ये भी सब सिक्वेंस है। अगर मैं ए बी सी पूरा लू ना, तो ये सब सिक्वेंस और सब स्ट्रिंग दोनों बोल सकते हैं। यही डिफरेंस है सब स्ट्रिंग में और सब सिक्वेंस में। जो सब स्ट्रिंग होती है ना, वो ये बोलती है कि आप कंटिन्यूअसली चल सकते हो, लेकिन सब सिक्वेंस में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कंटिन्यूअस चलना है, आप कंटिन्यूअस लो। आपको छोड़ छोड़ के लेने एलिमेंट्स, आप छोड़ छोड़ के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सब सिक्वेंस है, और ये कंटिन्यूअस में अगर अपन ले तो ये भी सब सिक्वेंस है, ठीक है। और ये पूरी तो एयर है ही, ठीक है। अपने को पैलेंड्रोम समझ में आ गया, सब सिक्वेंस समझ में आ गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने को इस वाली स्ट्रिंग में, पूरी स्ट्रिंग में अपने को ये बताना है कि कितने पैलेंड्रोमिक सब सिक्वेंस आ रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे ए अपने आप में एक पैलेंड्रोमिक सबसिक्वेंस है, बी भी अपने आप में पैलेंड्रोमिक सबसिक्वेंस है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो अगर मैं मोर ओवर ऐसा बोलना चाहूँ कि हर जितनी भी अपने को स्ट्रिंग मिलेगी, उन सब में उनकी जो साइज होगी मिनिममली, वो तो होगी ही होगी, क्योंकि ये ए है। इसको मैं आगे से स्टार्ट करूँ चाहे पीछे से स्टार्ट करूँ, ए की बात है, ठीक है। ये सबसिक्वेंस भी है, हाँ। बी को भी सेम बात है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो ये वाला तो इजी एग्जांपल है, अपन दूसरा ले लेते हैं। ए बी सी और ए ले लेते हैं, ठीक है। इसमें अपन निकालते हैं कि कितने अपने सबसिक्वेंस निकलेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे फोर तो हो ही गए, ए बी सी और ए का, ठीक है। ए भी एक सबसिक्वेंस है अपना, तो फिफ्थ वो हो गया, ठीक है, ए और ए, सही है। फिर अपना सिक्स हो सकता है ए बी ए, ए भी तो हो सकता है ना, हाँ। एक हो सकता है अपना ए सी ए, ये भी हो सकता है, हाँ ये भी सही बात है, ठीक। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? नहीं, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब सेवन निकल गया। ये तो अपन ने देख लिया, समझ लिया अच्छे से कि ये कौन कौन से सबसिक्वेंस हो सकते हैं और अपन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स, कोई फॉर्मूला कैसे अपन कोड करेंगे? देखो, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अपन ने क्या किया, एक सबसिक्वेंस ले, अपन ने पूरे की स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। उधर अपन ने आई से इसको स्टार्ट कर दिया और एंडिंग में जे से डिनोट कर दिया और जे से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दो पॉइंटर ले लिए अपन ने। अब पैलेंड्रोम का मतलब क्या होता है कि आगे और पीछे वाला सेम हो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि
कि अगर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यानी कि आइथ एलिमेंट और जेथ एलिमेंट अगर सेम है, अगर मेरा आइथ एलिमेंट और जेथ एलिमेंट सेम है तो मैं क्या करूँगा, वन प्लस एक बार आइथ एलिमेंट को छोड़ दूंगा, पूरी स्ट्रिंग ले लूंगा। तो ये हुई मेरी बी, ठीक है, सी और ए, ठीक है। और एक बार मैं क्या करूंगा, जेथ एलिमेंट को छोड़ूंगा और पूरी स्ट्रिंग ले लूंगा, ठीक है। तो ये वाली, ये क्या हुई अपनी ए बी सी, ठीक है, ठीक है। अब भैया ये समझ में नहीं आया, देखो अपना ए और ए, ठीक है, यहाँ पे अपने को मिल गया था, तो ए और ए मिल गया था, उसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्फर्म्ड एक सबसिक्वेंस तो ये हो ही गया, ए और ए अगर अपन साइड में निकाल लें, ठीक है, तो ये तो एक पैलिंड्रोमिक सबसिक्वेंस कन्फर्म्ड है ही है, ठीक है। तो इसका तो अपन ने वन ऐड कर दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बी सी ये जो एक सबसिक्वेंस बचा अपना, मतलब सबस्ट्रिंग बची, इसमें भी एक सबसिक्वेंस हो सकता था और ए बी सी में भी हो सकता था, ठीक है। अपने को तो सारे निकालने हैं ना, ऑल ओवर द, उसमें एक नहीं एक से ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं, बी सी ए में भी और ए बी सी में, तो अपने को तो सारे निकालने हैं, इसलिए अपन ने क्या किया, वन के अंदर उसको एड ऑन करवा दिया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरा जो पॉइंटर है ना वो इस पे आ गया, आई और जे, आई और जे, सही है, ठीक है। अच्छा अब ये तो सिमिलर नहीं है, ये तो बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे और यहाँ, ठीक। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपना वन प्लस तो हो ही गया, अब इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बी और सी ले लेंगे एक, ठीक है, और एक सी और ए ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए और बी ले लेंगे, यहाँ पे बी और सी ले लेंगे, ठीक है। फिर इनको आगे और कर लेंगे अपन, ठीक है, आगे और तोड़ देंगे, हर बार दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है, साफ सीधी बात है, हर बार दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, अगर सेम आ रहा हो तो ऐड कर दो, नहीं तो ऐड मत करो। तो अब यहाँ पे भी सेम नहीं आ रहा था तो अपन ने बी और सी को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी सी और ए को ले लिया, यहाँ पे भी ए और बी को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी बी और सी को ले लिया, ठीक है। क्या आप ये बताओ ये आंसर सही है, देखो गिन लो ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ तो ये हो गए और एक ये नौ, ठीक है, तो नौ, क्या अपना नौ ही आंसर आ रहा था, नहीं अपन ने तो देखा था सेवन आंसर आ रहा था। तो अब ऐसा क्या हुआ, अब यहाँ पे काम पे फेल हुआ, देखो मैं सीधा सीधा आपको कोड बता सकता था, पर मैं आपके साथ ना बैठ के उस लॉजिक को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक बिल्ड होगा ना तभी अपने को समझ में आएगा कि अपन कहाँ फेल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को सीधा सीधा समझ में आ गया था कि हाँ सेम आ रहे हैं तो ले लो, नहीं तो मत लो, ठीक है, बट यहाँ पे अपने को समझ में आया कि ये कोड नहीं चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन और गलती कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो सेम था, यहाँ सॉरी यहाँ तक तो सही था, इतना तो अपन श्योर है, क्यों श्योर है, क्योंकि अपन ने वन ले लिया और फिर वन प्लस अपन ने करवा दिया और अपन यहाँ तक की सबस्ट्रिंग भी चेक कर ली और यहाँ तक भी कर ली, ठीक है। अपने कुछ ना कुछ गलती आगे हुई है, आगे क्या गलती हो सकती है, देखो आगे क्या गलती हुई अपने से कि अपन ने बी सी ए लिया, ठीक है, हाँ अपन ने बी सी ए को दो में तोड़ा, ठीक है, एक तो बी सी में और एक सी ए में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे ये बात बताओ, ये जो सी वाला जो वर्ड है, सी वाली जो चीज है, ये दो में रिपीट हो गई ना, हाँ कि ना, अच्छा भैया, बट भैया ये तो फिर यहाँ पे भी रिपीट हो गई थी, यहाँ पे भी जैसे ए बी सी था और बी सी ए था तो यहाँ पे तो बल्कि दो दो रिपीट हो गए थे, यहाँ पे तो बात ही नहीं समझ में आई। देखो बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे रिपीट हो गए थे ना, लेकिन यहाँ पे रिपीट किसके साथ में हुए, ए के साथ में, ठीक है, तो एक बार ए के साथ में इस वाले के साथ मान लो और एक बार ए के साथ में इस वाले के साथ मान लो, ये दोनों अपनी अलग अलग आइडेंटिटी थी, ठीक है, यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी हुई नहीं, यहाँ पे तो कुछ पैलिंड्रोमिक आया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सी रिपीट कर रहा है लास्ट में जाके, ये दो सी यहाँ पे बन गए, ठीक है, सी सी का तो सिर्फ एक ही पैलिंड्रोम हो सकता था ना, ये दो डिफरेंट कहाँ से सी आ गए, ये दो डिफरेंट यहाँ पे कहाँ से बी आ गए, ये दो दो डिफरेंट यहाँ पे कहाँ से ए आ गए, ठीक है, ये जो सारे पंगे हो गए ना ये गलत हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, जहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर देंगे वहाँ पे सब सही है, ठीक है। तो अपन ए बी सी ए से सिर्फ बी सी नहीं बनाएंगे, मतलब बी सी और सी ए नहीं बनाएंगे, बी सी और सी ए तो बनाएंगे, इन दोनों को तो ऐड करवाएंगे, प्लस माइनस करवाएंगे इसमें से अपन इन दोनों के बीच वाली टर्म, तो बीच वाली टर्म क्या है यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे बड़ी टर्म भी हो सकती है तो बड़ी टर्म अपन माइनस करवा देंगे, अभी यहाँ पे छोटी टर्म है तो छोटी टर्म जो भी है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे क्या चीज़ रिपीट हो रही थी, एक्स्ट्रा सी रिपीट हो रही थी, तो सी अपन ने माइनस करवा दिया, ठीक है।
समझा? ठीक है, समझ में। आप एक बार इस पे लगा के देखते हैं। चलो हटाओ 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 हटाओ, 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक और टर्म आ जाएंगी जहाँ पे मैच नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आया बी सी प्लस सी ए माइनस सी, सही है? ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी, ठीक है, प्लस बी सी और माइनस बी हो गया, सही है? ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। अच्छा, ये आगे बी और सी में टूट गया तो इसके दो बन गए, इसके भी सी और ए में टूट गया, दो बन गए, ठीक है, माइनस वन हो गया, यानी कि इसका आ गया अपने पास 4, सही है? ठीक है, ये बी और सी दो में टूट गया, सॉरी ये अपने पास 3 आया ना, टू प्लस टू 4 और 1 माइनस 3 यानी कि 3, ठीक है। हाँ, ये ए और बी टू में टूट गया, बी और सी भी 2 आ गया, और ये यहाँ पे 1 माइनस हो गया, ठीक है, तो ये 3 और इसका भी 3, तो अपने पास क्या बचा, 1 प्लस, इसको अपन ने कैलकुलेट करके क्या निकाला, 3, और इसको कैलकुलेट करके क्या निकाला, 3, तो टोटल क्या हो गया, 7। 7 ही आंसर था। हाँ, मतलब अब अपना लॉजिक बिल्ड हो गया है, अब अपने को समझ में आ गया कैसे होगा। लेकिन अब ये 2 सीधा क्या लिख दिया, ये 2 क्या लिख दिया, ये 1 क्या लिख दिया, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। वैसे कुछ नहीं किया अपन ने, देखो अपन ने क्या किया कि इसको अपन आगे और तोड़ दे, क्योंकि आगे वापस अपने को सिमिलर नहीं मिला, ठीक है, तो अगर आगे अपन इसको और तोड़ते तो ये कैसे टूटता, बी और सी आता, ठीक है, ये अपना टूटता बी में सी में, और ये दोनों तो होते प्लस और माइनस होता जो इनके बीच का था, तो इनके बीच में कुछ था ही नहीं, तो 0 माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, बी अपने आप में पैलेंड्रोम है तो बी 1 हो जाएगा, सी अपने आप में पैलेंड्रोम है तो सी भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए, -0 हो गया, तो ये क्या आया, 2, ये भी मैंने वही का वही लिख दिया था, 2। सी और ए में भी सेम फंडा अप्लाई होगा, ठीक है, सी जो है वो अपने आप में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और पैलेंड्रोम है, तो -1 हो जाएगा, समझ में आया? देखो बिल्कुल सिंपल है, अपन ने क्या किया, ए देखो, अब अपन ना इस पे लगा के देखते हैं, इस वाले पे, ठीक है, तो ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ठीक है, ठीक है। अब अपन ने इसको क्या किया, पहले तो देखा कि क्या ये फर्स्ट और लास्ट सिमिलर है, नहीं है, ठीक है, तो अपन इसको तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, ए बी सी, सही बात है, प्लस यहाँ पे बी सी डी, सही बात है, और यहाँ पे माइनस किससे करेंगे, बी और सी से, यहाँ पे प्लस होगा, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी भी आगे जाके टूटेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, ए अलग और सी अलग, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो ए बी, ठीक है, यहाँ पे बी और सी और माइनस हो गया अपना बी, ठीक है, यहाँ पे भी सेम बी सी, यहाँ पे सी डी और माइनस हो गया अपना सी, ठीक है, यहाँ पे बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बी और सी, ए और बी को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके 2 आएगा, इतना अपने को पता है, मैं सीधा लिख दूं, ठीक है, बी और सी को सॉल्व किया, 2 आया, ठीक है, ये दोनों प्लस होंगे, हाँ ये दोनों प्लस होंगे, और ये माइनस होगा बी, तो ये 1, इसका ओवरऑल 3 आया, ठीक है, प्लस करो, ठीक है, इसका क्या आएगा ओवरऑल, यहाँ पे भी 3 आएगा बी सी को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे भी सी डी को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा ना, हाँ इसको भी 2 करेंगे, ठीक है, और ये -1 यानी कि यहाँ पे भी 3, ठीक है, 3 प्लस 3 ये तो सॉल्व हो गया, और ये माइनस का 2 कितना आया, 4, क्या 4 ही आंसर आ रहा था, हाँ 4 ही आंसर आ रहा था, एक बार और देख लेते हैं, क्या 4 ही आंसर था, हाँ ठीक है, तो अब अपने को समझ में आ गया कि आप क्या अपन क्या लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है, अब अपने को समझ में तो आ गया कि अपन क्या लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं, अब इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है, कोड कैसे करेंगे, सिंपल, इतना तो समझ में आ गया ना। अच्छा, इससे पहले ना अपन कोड की तरफ जाएं, एक चीज और, एक बात बताओ, कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसमें अपन ने बोला बी सी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, फिर अपन ने ए सी कैलकुलेट किया, ठीक है, सी कैलकुलेट किया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अब यहाँ पे ए बी कैलकुलेट किया, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बी सी जो था क्या अपन वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, हाँ बी सी तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, अगर बी सी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत कहाँ आई, तो क्या अपन यहाँ पे समहाउ इसकी जो कैलकुलेशन
कि जो टाइम है उसको बचा सकते हैं, हाँ बचा सकते हैं ना, इसको यूज़ कर लो यहाँ पे जो ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ था। अच्छा अगर मैं इसके और ज़्यादा थोड़ा सा डीप में आऊँ तो एक बात बताओ, यहाँ पे नीचे गए तो अपन ने बी अलग से कैलकुलेट किया था और सी अलग से किया था, हाँ बी हो चुका था सी हो चुका था ठीक है। तो फिर जब अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे भी अपन ने तोड़ा तो अपन सी कैलकुलेट करने गए तो सी अपने को दोबारा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है जब अपना सी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इज इट और नॉट? सही बात है ठीक है। ए अपन ने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में अपने को क्या दोबारा कभी भी ए बी सी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अच्छा ए बी सी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे बी सी तो एग्जैक्टली रिपीट हो गया, तो क्या उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं ठीक है। अपन मैथमेटिक्स में जब भी करते हैं तब भी अपन दोबारा दोबारा कैलकुलेट नहीं करते ना, बस वही वाले सीन है। अपन जितना इसको ऑप्टिमाइज बनाएंगे ना उतना ही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी ठीक है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि अगर अपन ने एक बार सॉल्व कर लिया तो अपन दोबारा क्यों ही करेंगे। तो इसको बिल्ड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक कि यहाँ पे जो भी मेरा बी सी में आया था उसको मैं स्टोर करवा लूँ, और जब भी मेरा दोबारा आए तो मैं पहले चेक कर लूँ कि क्या बी सी में कोई वैल्यू है, अगर बी सी में कोई भी वैल्यू है ऑलरेडी स्टोर्ड तो मैं उसमें वही रिटर्न करवा दूँ, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है। बस सिंपल सिंपल सिंपल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डीपी। बस डीपी वही तो होता है कि अपना जो भी स्टोर, जो भी अपना कैलकुलेट कर लिया है आंसर, बस उसी आंसर को दोबारा कैलकुलेट मत करना और उसी आंसर को रिटर्न करवा दो ठीक है। अपन ने क्या किया, सबसे पहले देखो अपन समझते हैं, ये अपना कोड यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है, लॉन्ग से अपन ने मीम सेट किया है कुछ तो, डीपी माइनस वन साइज ऑफ डीपी, ये क्या है? देखो अपन ने क्या किया कि ना एक लॉन्ग लॉन्ग नाम से, लॉन्ग लॉन्ग नाम की अपन ने एक 2D मैट्रिक्स बनाई ठीक है। 2D मैट्रिक्स को अपन ने 1001 और 1001 के साइज से इनिशियलाइज क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम साइज वही था गिवन था, देखो यहाँ पे 1000 गिवन था, अपन ने प्रिकॉशनरी 1001 ले लिया ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपन ने एक 2D मैट्रिक्स बना ली ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, मीम सेट माइनस वन साइज ऑफ डीपी, ये क्या बता रहा है, ये ना ये पूरी जो मैट्रिक्स है ना उसको माइनस वन से इनिशियलाइज कर देगा ठीक है। सिंपल, पूरी मैट्रिक्स को माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया ठीक है, और उसके बाद में कुछ तो इसने रिटर्न कर दिया बस, और आंसर खत्म। कुछ तो रिटर्न किया और आंसर खत्म, इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो रिटर्न किया है ना यही अपना आंसर है। अपन देखते हैं कि ये फंक्शन कॉल किया है इसने, फंक्शन में हो क्या रहा है, फंक्शन में दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो ये सॉल्व नाम का कोई फंक्शन है, इसमें एक स्ट्रिंग पास करी है ठीक है, जीरो पास किया, स्ट्रिंग की साइज माइनस वन पास कर दी ठीक है ठीक है। अच्छा ये जीरो क्या अपना स्टार्टिंग इंडेक्स है? एक मिनट अपन देख लेते हैं ना यार, ये अपने पास कोई भी स्ट्रिंग है ठीक है, ये कोई भी स्ट्रिंग है, अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है क्या वो जीरो होगा? हाँ सही बात है। तो कहीं ये जीरो वही तो पास नहीं करना चाह रहा? ओके स्ट्रिंग पास कर दी फर्स्ट, यानी कि आई की वैल्यू पास कर दी ठीक है। अब ये माइनस वन स्ट्रिंग के साइज माइनस वन, स्ट्रिंग के साइज माइनस वन, कहीं ये इंडेक्स तो नहीं बोल रहा? अच्छा हाँ ये तो इंडेक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग पास कर दी, आई की पोजीशन पास कर दी और जे की पोजीशन पास कर दी, सही है ठीक है। आई की पोजीशन, जे की पोजीशन पास हो गई, मतलब अपन ने पूरी स्ट्रिंग पास कर दी और पूरी स्ट्रिंग में जितने भी सबसिक्वेंसेस थे अपने को वो निकालने थे, तो वो अब ये फंक्शन अपने को वो दे देगा ठीक है। अच्छा ये दो इफ की कंडीशन छोड़ दो, यहाँ तक कि दो क्या तीन छोड़ दो, क्यों छुड़वाई? देखो इस पे अभी अपन बात करते हैं, वो क्या बेस कंडीशन है जहाँ पे लूप टर्मिनेट होगा ठीक है। तो अभी वो अपन देखते हैं, पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या किया, एस टी आर ऑफ आई इक्वल्स टू जे, एस टी आर ऑफ जे, इसका मतलब क्या ये मेरा जो एलिमेंट है आई एलिमेंट, क्या ये जे एलिमेंट के बराबर है? मैंने यही चेक किया है, हाँ यही चेक किया है ठीक है। अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या करना है अपने को, इसको छोड़ो, रिटर्न क्या करना है, वन प्लस वन, हाँ वन प्लस, आगे बोलो, सॉल्व एस टी आर आई प्लस वन जे, सॉल्व एस टी आर आई प्लस वन थे, आई प्लस एस टी आर तो अपने स्ट्रिंग हो गई, आई प्लस वन मतलब आई की एक पोजिशन बढ़ा दी, मतलब बी सी ए ठीक है, और जे में अपन ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं यहाँ पे ठीक है। और एक बार अपन ने क्या किया, आई को वो का वो रखा और जे में एक डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब कि ये वाली ठीक है, तो ये की यही कॉल कर दिया अपन ने, हाँ इतना समझ में आ गया ठीक है, इसकी कंडीशन समझ में आ गई ठीक है। अगर सेम नहीं होते हैं तो अपन ने क्या बोला था, पहले अपन यहीं से बना के चलते हैं, चेक करते हैं वापस सही आ रही है कि नहीं आ रही ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि एक बार आई को इंक्रीमेंट कर दो, जे को सेम रखो, एक बार जे को डिक्रीमेंट कर दो और आई को सेम रखो ठीक है, इतनी ठीक है। और उसके बाद में क्या करो, आई को और जे को दोनों को डिक्रीमेंट कर दो तो ये बीच वाली आ जाएगी, इसको माइनस करवाना है, सही है ठीक है। अपन ने क्या बोला, आई को इंक्रीमेंट किया, जे को इतना ही रखा ठीक है, फर्स्ट वाली तो सही है, आई को सेम रखा और जे को डिक्रीमेंट कर दिया, ये भी सही है, दोनों के बीच में प्लस भी है ठीक है। और माइनस में अपन ने क्या किया, आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया और जे को भी डिक्रीमेंट कर दिया, ये वाली बीच वाली सही है, सही है ठीक है। तो अपनी इफ और एल्स की कंडीशन तो समझ में आ गई, यही थी अपनी मेन कंडीशन ठीक है। अब ये जगह जगह पे मैंने मोड क्या लगा रखे हैं ये मैं बताता हूँ ठीक है। पहले अपन टर्मिनेटिंग कंडीशन देख लेते हैं ठीक है।
तो टर्मिनेटिंग कंडीशन में क्या बोल रहा है कि आई और जे इक्वल हो जाए तो अपना रिटर्न माइन रिटर्न वन हो जाए। आई और जे इक्वल कब होंगे, जब सपोजिंगली कि मेरा आई और जे दोनों ए को पॉइंट कर रहे हैं। आई और जे जब दोनों एक को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो कन्फर्म पैलेंड्रोम है ही है, ठीक है, नो डाउट्स, बस तो वो अपना रिटर्न वन कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा ये क्या है, देखो ये बता रहा है कि अपने ने ना क्या किया था कि जो डीपी थी ना, मतलब कि जो 2D मैट्रिक्स थी, इसको अपन ने डीपी नाम दिया था, इसको पूरी को अपन ने माइनस वन से इनिशियलाइज किया था यहाँ पे। हाँ, अब कभी भी जब भी अपन रिटर्न कर रहे हैं ना, तो जो भी आंसर आ रहा है ना, वो उस माइनस उसमें ले रहे उसमें अपन डीपी में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर अपन ने वो आंसर एक बार कैलकुलेट कर लिया है, तो ऑफकोर्स ही बात है वो माइनस वन से कुछ हटके ही होगा। सही है, हाँ माइनस वन से हटके ही होगा। तो बस अगर माइनस वन से हटके कोई भी अगर अपना आंसर अपन ने एक बार कैलकुलेट कर लिया है, तो चेक कर लो पहले कि अगर ये वाला आंसर कैलकुलेटेड है तो दोबारा कैलकुलेट नहीं होगा, रिटर्न कर दो सीधा। सही है, इतना समझ में आ गया। अच्छा ये वाली टर्म, ये वाली कंडीशन क्या है, देखो ये वाली कंडीशन ये है कि इन सच अ केस कि ये जो मेरा आई है, देख लेते हैं अपन, ये आई है, क्या ये हो सकता है कि ये जे को क्रॉस कर जाए, मतलब जे मेरा यहाँ पे आ जाए और आई मेरा यहाँ पे आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, इसका मतलब साफ है कि ऐसा कभी भी हो जाए तो रिटर्न करवा दो जीरो। ऐसा तभी होगा जब वो दोनों कंडीशन, जब वो कहीं पे भी पैलिंड्रोम उसको नहीं मिला होगा। सही है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, इतना समझ में आ गया और इतना भी समझ में आ गया, और यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न क्या हो रहा है, हमेशा सीधा ही आंसर रिटर्न हो रहा है, इतना समझ में आ गया। अब ये मोड क्या था, ये मोड 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 क्या था, देखो यहाँ पे जब आंसर बिल्कुल डिफरेंट था, ए बी सी डी पूरी स्ट्रिंग डिफरेंट थी, तब भी अपने क्या था, फोर आउटपुट में आ रहा था। ठीक है, बेयर मिनिमम उतना तो आएगा ही ना, जितनी भी स्ट्रिंग की साइज है। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरा पूरा ए ए ए आ जाए और मेरी स्ट्रिंग की साइज हो 50 हो, तो भी उसका सोचो आंसर कितना बड़ा आएगा। इसलिए जीएफजी ने अपने को क्या कहा था कि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए उसको हमेशा 10^9+7 से मोड करके और फिर रिटर्न करवाना। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 10^9+7 को यहाँ पे एक मोड नाम का वेरिएबल लिया और उसमें लिख दिया। बार बार 10^9+7 अगर अपन लिखेंगे ना कोड में, तो कोड थोड़ा अनईजी सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए अपन ने एक इंट नाम का मोड बना लिया। ठीक है, इंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया मोड, और उसके अंदर अपन ने वैल्यू रख दी। ठीक है, और अपन ने हर जगह उसको मोड कर दिया, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कोड था थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं खुद बोल रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक बार आप दोबारा रिवाइंड करके देखो अगर आपको कोई डाउट होता है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, यू कैन कम अप देयर, वी आर देयर फॉर यू। सेकेंडली जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कभी भी ऐसा होता है कि 12 बजे तक हमारी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, उसका मतलब यह है कि आपको कोड तो उसका कंफर्म रेपो से मिल जाएगा। आप 12 बजे के बाद में कभी भी रेपो लिंक होता है हर बार एक वीडियो के नीचे, कोई भी अगर गिटहब की वीडियो है तो गिटहब का रेपो लिंक होगा, और लीड कोड की वीडियो है तो लीड कोड का रेपो लिंक होगा। वहां पे जाके आप अपनी डेली स्ट्रीक कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी ना उसके साथ प्रीवियस वीडियो का भी एक्सप्लेनेशन कंफर्म होगा। ठीक है, और इन एनी केस अगर फिर भी कुछ होता है, और या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने एंड पे सॉल्व कर रहे हैं फिर भी आपको दिक्कत आती है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस पर वीडियो बना पाएं, और अगर वीडियो ना भी बन पाए तो हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन तो जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।